राम जन्मभूमि अयोध्या से लगभग 45 किलोमीटर दूर रुदौली कस्बे में हजरत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौली रहिमुल्ला अलैह की दरगाह है। ये दरगाह गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती मिसाल है। हजरत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक कुद्दुस सिर्रहु की खानकाह है और उन्हीं की दरगाह है, उन्हीं का आस्थाना है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये उनका मज़ार अक़दस है ना, और ये रुदौली शरीफ ज़िला अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये तकरीबन 600 साल पुरानी खानकाह है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में हजरत का उर्स संपन्न हुआ और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से और बाहर मुल्कों से भी लोग यहाँ आते हैं हाजिरी देने के लिए बाबा की दरगाह में। औलिया कराम के दर पर जिक्र इलाही में बेखुद महफिलों की रिवायत तवील रही है और ये रवायत अब खानकाहों से निकलकर महफिलों तक जा पहुंची है। सूफिया कराम ने हर जमाने में अवाम के तखयुलात किरदार और अकायद पर गहरा असर डाला है। इसी रवायत के अलम्बरदार हजरत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौली रहिमुल्ला अलैह भी हैं। अयोध्या से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की तरफ लोकेटेड है और ये लखनऊ से एक घंटे की ड्राइव है और ये बहुत ही सिलसिले साबरिया की बहुत ही कदीम, बल्कि मैं अगर कहूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिलसिले साबरिया की खानकाह है तो वो हुजूर शेखुल आलम की खानकाह। कोई भी खानकाह हो उसका यही मिशन है कि सारे धर्म के लोग यहाँ आएँ, सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों के लिए खानकाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हजरत शेख मखदूम शेख अहमद अब्दुल हक रुदौली रहिमुल्ला अलैह को खुदा ने बेशुमार बरकतों से नवाजा था, वहीं आपके रूहानी हालातों कमालात का कोई शुमार नहीं है, जिसे बेस्तर लोग आज के इस पूर्व अशोभ दौर में इस्तेफादा करने की कोशिश करते हैं। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में जायरीन इनके आस्ताने आलिया पर हाजिरी देकर फैजियाब होते हैं। 3-4 वर्षों से यहाँ आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, सुकून मिलता है और बाबा के आस्था है यहाँ पे। हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, हिंदू ज़्यादा आते हैं, मुसलमान भी आते हैं बराबर। एकता को लेकर के यहाँ पे कोई मतलब मतभेद नहीं है, हिंदू मुसलमान सभी लोग आते हैं यहाँ पे, सभी मिलजुल कर रहते हैं और सभी में भाईचारा है, कोई आपसी भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का। और यहाँ पे जो भी आते हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सभी अपने अपने विचार अपने अपने व्यवहार से, कोई यहाँ पे ना किसी के बारे में मतभेद है ना कोई मतलब कोई आप मतलब आपसी लड़ाई झगड़ा है, सभी लोग प्रेम से यहाँ पर आते हैं, ना कोई भेदभाव है ना किसी प्रकार का कोई वो है। कुल मिला के जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है बाबा के चौखट पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके ऊपर कर्म करते हैं सरकार जो भी यहाँ आप आते हैं।